अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मशहूर अदाकारा सबा फैसल के बेटे की आज शादी है तो वो लोग काफ़ी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन लोग उन पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। आज से कुछ माह पहले ही सबा फैसल ने वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि मेरे बेटे और बहू से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको एक बात बता दूं कि उसका बेटा और बहू उसके साथ भी नहीं रहते, वो दो अलग घर में रहते हैं। और सबा फैसल ने अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे अपने बड़े बेटे सलमान फैसल से, और आज शादी में उनको साथ देखा जा रहा है। सलमान फैसल भी शादी में शरीक है तो लोग उन पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। और इनकी बहन सादिया फैसल पर तो लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है इनको कि आप कभी अपने घर भी चली जाया करें, आपको तो घर पर देखा ही नहीं जाता, ना आपका शौहर नज़र आता है ना ससुराल वाले। काफ़ी लोगों का तो ये भी कहना था इनको कि प्लीज़ शादी के बाद आप अपने घर चली जाना, पहली शादी भी माँ के घर रुक रुक के ख़राब कर दी थी, अब ये शादी ख़राब नहीं करना। जिस पर सादिया फैसल ने उसको जवाब दिया, कहा कि मेरी माँ है, मेरी मर्ज़ी है, मैं जब चाहूँ यहाँ रहूँ या अपने ससुराल में रहूँ। वैसे सादिया फैसल को अक्सर अपनी माँ के घर ही देखा जाता है, ना वो अपने शौहर के साथ ज़्यादा तस्वीरें अपलोड करती हैं और ना ही अपने बेटे के साथ। इनकी अक्सर तस्वीरें जो होती हैं अपनी माँ और भाइयों के साथ ही अपलोड करती हैं। ससुराल में तो कभी इनको देखा ही नहीं गया, ना ही इन्होंने कभी कोई वहाँ की तस्वीर अपलोड की है, तो इस वजह से लोग इन पर काफ़ी तनकीद कर रहे थे कि आप कभी अपने घर भी जाया करें, अब नई जो आ रही है इनकी भाभी उनकी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। लोगों का इन पर तनकीद करते हुए ये कहना था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इनके भाई की पहली जो शादी थी वो इनकी वजह से ख़राब हुई है या ऐसे ही लोग कह रहे हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।